हेलो फ्रेंड्स, मैं जय, आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है और मैं आज आपको बताऊँगा कि टैली में आप एक डिस्काउंट का जो अलग से कॉलम होता है वो आप टैली में कैसे एक्टिवेट करेंगे और उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने तो टैली ओपन कर ली, गेटवे ऑफ टैली पर हूँ मैं। उसके बाद मैं फीचर्स में चले जाऊंगा। फीचर्स में आप इन्वेंटरी फीचर्स या अकाउंटिंग फीचर्स दोनों में जाएंगे, दोनों में ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं आपको अकाउंटिंग फीचर्स में ही जाके दिखाता हूँ। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको ये कॉलम मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवाइस है। यस करके आप एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल प्लस ए से, या इंटर प्रेस करके आप लास्ट तक जाएंगे, वहाँ से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वाउचर में चले जाएंगे। सेल्स में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये डिस्काउंट का अलग से कॉलम आ गया है। अगर वो वहाँ से नो रहेगा तो यहाँ पर ये कॉलम नहीं रहेगा। अब मैं यहाँ पर एक एंट्री भी पास करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मानकर चलो मैंने इसे 1% डिस्काउंट दिया, मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, परसेंट का साइन अपने आप आ जाएगा और उस हिसाब से अपने आप कैलकुलेट करके रेट माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि आप टैली में कैसे डिस्काउंट कॉलम को एक्टिवेट करेंगे और उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर करें। थैंक यू।